हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ एस सी मिश्रा। और आज इस समय सारे लगभग बोर्ड के एग्ज़ाम हो गए हैं, अब कंपटीशन है, आईटी के एग्ज़ाम भी आगे हैं। तो जो भी वीडियोस होंगे, जो भी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, उसी लेवल की बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज जो चैप्टर है वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, आज उसकी बात करेंगे। तो इसकी थोड़ी सी बेसिक मीनिंग समझा जाए, क्या है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब। देखिए, कोई भी फंक्शन इफ एफ एक्स जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ए बी है, दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव फॉर एल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, तो इसे हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। और यही अगर एफ आई स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला जाएगा इफ एफ एक्स एफ डैश एक्स इज निगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। कहने का होता है कोई फंक्शन हमारा एफ एक्स है, अगर वो इंटरवल ए बी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, दैट मीन्स एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, पॉजिटिव होगी। और एफ डैश अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स की वैल्यू उसी ए बी में निगेटिव हो जाएगी। यहीं पे देखिए वर्ड स्ट्रिक्टली यूज किए गए हैं। अगर यहीं ये हो जाए कि एफ डैश एक्स इज जीरो आर ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ ओनली इंक्रीजिंग हो जाएगा। अगर यहीं पे एफ डैश एक्स लेस दैन इक्वल टू जीरो, तो ओनली डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो इन इंटरवल ए बी वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, एफ डैश एक्स निगेटिव है तो इन इंटरवल ए बी जो है वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। और अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो है तो ओनली इंक्रीजिंग, लेस दैन इक्वल टू जीरो है तो ओनली डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या हुआ, अब थोड़ा इसको ज्योमेट्रिकली जरा बेसिकली इस चीज़ को समझ लिया जाए कि क्या है इसका मतलब। देखिए, अगर कोई ग्राफ की यहाँ पे बात किया जाए, मान लीजिए ऐसे कोई ग्राफ है, अब इंटरवल यहाँ ए बी की अगर बात किया, मान लीजिए ए है ये बी है, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन हमारा एफ एक्स है, अगर हम f डैश एक्स की बात किया जाए तो f डैश एक्स मीन्स d डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये हमारा f डैश एक्स हो जाता है, ठीक है। तो f डैश एक्स ये हो जाता है। और इसका मतलब क्या होता है, देखिए d ऑफ एफ एक्स अपान डी का मतलब कि एफ एक्स का x के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है। तो अगर ये चेंज पॉजिटिव हो रहा, वैल्यू इज इंक्रीजिंग, देखिए ये वैल्यू हमारी क्या कहलाती है, वाई, या इसी को एफ एक्स कहा जाता है, ये वैल्यू हमारी एक्स कहलाती है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में जो एफ एक्स का चेंज है, ये हमारा अगर इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स क्या साफ साफ दिख रहा है फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। और यही अगर चेंज निगेटिव हो जाए, कुछ इस तरीके का हो जाए, मान लीजिए इंटरवल ए बी में फंक्शन हमारा कुछ ये हो रहा, तो जो हमारा चेंज है वो निगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब इसी इंटरवल में हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहीं पे जीरो वैल्यू हो जाए इसका, तो वहाँ पे चेंज कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट हो जाएगा कहने का मतलब वहाँ पे ना फंक्शन इंक्रीजिंग होगा ना वो डिक्रीजिंग होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा ज्योमेट्रिकली भी समझ लेना कि जो बातें कही गई हैं इनकी रियल मीनिंग क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है, किस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं। क्योंकि स्टूडेंट देखिए, कंपटीशन की जहाँ बात होगी, वहाँ बात को, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा जाएगा, घुमा के पूछा जाएगा, तो इन चीज़ों की बेसिक मीनिंग को भी जानना जो है वो ज़रूरी होता है। तो ये हुआ, ये तो एक रूल हुआ, वर्किंग रूल हुआ, और इसकी जो बेसिक मीनिंग है, अब जैसे कैसे पॉजिटिव कैसे निगेटिव किया जाता है, तो वो मीनिंग यहाँ पर ये होती है। अब हम लोग इसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, तो यही बातें हमारी और क्लियर होंगी। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ये है कि एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 15, तो वो इंटरवल फाइंड करना है जिस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। तो वही रूल यहाँ फॉलो करना है कि एफ डैश एक्स जो है हमारा माइनस टू एक्स माइनस टू हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें इंटरवल एफ डैश एक्स है, ये हमारा माइनस टू एक्स माइनस टू हो जाएगा। अब फॉर इंक्रीजिंग, ग्रेटर देन जीरो मीन्स माइनस टू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, माइनस टू एक्स ग्रेटर देन टू,
माइनस एक्स ग्रेटर देन वन, दैट मीन्स एक्स इज लेस देन माइनस वन। तो इंक्रीजिंग के लिए क्या आ रहा है, एक्स इज लेस देन माइनस वन, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन ओपन इंटरवल। इस इंटरवल में ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, यहीं पे डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लेस देन जीरो मीन्स माइनस टू एक्स माइनस टू लेस देन जीरो, तो माइनस टू एक्स लेस देन टू, माइनस एक्स लेस देन माइनस वन, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन। इसका मतलब क्या हो गया, इंटरवल हमारा क्या हो जाएगा, माइनस वन टू इन्फिनिटी। तो इस इंटरवल में क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा गिवन फंक्शन है वो माइनस इन्फिनिटी टू वन में इंक्रीजिंग होगा और माइनस वन से इन्फिनिटी में हमारा डिक्रीजिंग हो जाएगा। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर माइनस वन दोनों में की, अगर माइनस वन की बात किया जाए तो माइनस वन पर हमारा जो फंक्शन है वो जीरो हो जा रहा, मतलब माइनस वन पे ना वो इंक्रीजिंग होगा ना वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सेट करेंगे कि किस तरीके से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यहाँ पे फंक्शन जो है वो हम निकालते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, f(x) इक्वल टू x माइनस टू अपान x प्लस वन, हमें वो इंटरवल फाइंड करना जिसमें ये इंक्रीजिंग है अथवा डिक्रीजिंग है। तो फिर वही चीज़ करना है, पहले हमें f डैश x निकाल लेना है, अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या आ रही है कि यहाँ पे f डैश x हमारा निकल के आया 3 अपान x प्लस वन का होल स्क्वायर। 3 कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, x प्लस वन का होल स्क्वायर, x प्लस वन की वैल्यू चाहे जो रखे, पॉजिटिव रखे नेगेटिव रखे चाहे जो रखे, स्क्वायर लगा है दैट मीन्स दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब 3 अपान x प्लस वन का स्क्वायर जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया कि ये ओवरऑल आर में ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा एक्सेप्ट माइनस वन, क्योंकि माइनस वन पे इनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ कहा भी गया है कि एक्स की वैल्यू माइनस वन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से जो एफ डैश एक्स हमारा आ रहा 3 अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये वैल्यू एक्स की चाहे जो रियल नंबर पे वैल्यू पुट करिए दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। इसका तो हमेशा ही पॉजिटिव मीन्स जीरो से बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा मतलब ओवरऑल आर में जो होगा ये ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा एक्सेप्ट माइनस वन, और जो हमारे फंक्शन में ऑलरेडी शामिल नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये था एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट, क्या इसका मतलब होता है। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कम्पिटेटिव लेवल जो आईटी लेवल क्वेश्चन होंगे उन डिफिकल्ट क्वेश्चन को कैसे हम उनको हैंडल करेंगे, कैसे उनको हम सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग ये वीडियो देखते रहिए, अगर आपको वीडियो मेथड पसंद आता है तो आप लोग उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।